पार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए ऋषि महात्मा सन्यासी योगी 88,000 साल की तपस्या करते हैं, उसका एक बार साक्षात्कार करना, एक बार दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। अरे एक ऐसा नरसिंह भगत इस धरती पर हुआ जिसने उस पार ब्रह्म का, उस परमात्मा का दो बार साक्षात्कार आमी दर्शन किया। उसकी कथा आपके बीच में सुनाते हैं। लेख कहता है कि जूनागढ़ गुजरात में एक मंगुमल साहूकार जिसका बेटे चार और एक का नाम नरसिंह बताया जाता, 56 करोड़ माया का मालिक मंगुमल सेठ था, चार बेटे थे, कोई भी कमी घर में नहीं थी, बस कमी थी तो एक थी, एक जो बेटा नरसिंह था उसके घर में पुत्र नहीं था, एक बेटी थी जिसका नाम हरनंदी बताते हैं। और उस समय दादा मंगुमल ने अपनी पोती हरनंदी, बेटियां तो भी प्यारी थी, उस समय हरनंदी का रिश्ता सिरसागढ़ में किया था, मनसा सेठ बारात लेकर आया था, 12 करोड़ माया उस समय पे मंगुमल सेठ ने अपनी पोती की नरसी की बेटी की शादी में लगाई थी। ऐसा कहते हैं जब वह बारो उठी चल रही थी तो मंगुमल सेठ चांदी के सिक्के भर मुठीर बगा दे, भर मुठीर बगा दे, लालच मान का कुछ बरातिया ने भी ये सिक्के चुग लिए थे, और मनसा सेठ बेजती माने याद आ रहे, अरे मंगुमल ने तो दौलत के नशे में अपने घर बुला के दौलत का नशा दिखाया, रात्रि बेजती करी, और इसने तो करिए करी, और देख देख मेरे कर्म जो ये बराती आ रही नवी रपिये चुग लिए, इज्जत कड़े रही, सेठपना कड़े रहा, सारे बरातिया ने गाड़ दे, और अड़ भी बात थमी नहीं। बताते हैं मंगुमल सेठ ने जितने गाड़ी घोड़े बरात में आए थे सबकी कीमत पूछ ली और सबकी कीमत चुका दी, और विदाई का जब समय आया तो मंगुमल ने सारे गाड़ी घोड़े उल्टे दान कर दिए, और शर्मा गया मनसा सेठ, रात्रि तब बेइज्जती होगी, पर कदे परमात्मा मौका देगा तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। ये सोचता सोचता मनसा सेठ समय बिताता रहा, और उधर मंगुमल सेठ ने पोती की शादी करके चारों बेटे न्यारे न्यारे अलग अलग कर दिए, 11 करोड़ माया चारों छोरों का बाटा आई, और मंगुमल सेठ ने कहा बेटा ये माया खराब करने की चीज नहीं है, अगर इसको बढ़ाना सको तो इसको घटाना मत, और नरसिंह उस माया पर मुदा पड़ा था। ऐसा लेख कहता है एक बार गंगा जी का नहान, सारी अगड़ पड़ोसन तैयार हो रही गंगा नहान ने, और नरसिंह की सेठानी जाकर ने कहे बेबे ये कड़े जाओगी, ये निवलिए तने बेरा नहीं गंगा जी का नहान रहा, निवलिए मुन्ना भी ले चलो, निवली बेबे ले चलेंगी, हम तो अपने धनी की गैल जाएंगे, जोड़े तो ना कहूंगी, तुम अपने घर पारी ने पूछ ले तो चल लो, तो तुम भी चल पड़ी। और नरसिंह की सेठानी घर जाती और जाके निवली सेठ जी मैं जिस दिन तो तेरे ब्याह आई हूं मन के मांगा है, हाँ नरसिंह निवला ना कोई फरमाइश करी हो, हाँ निवला नहीं, निवली पिया जी एक इच्छा है मैं जीऊ तो जब जीऊ मेरी यह इच्छा पूरी हो, हाँ निवला सेठानी बोल के सेठ जी मैंने गंगा जी नहा लिया, भाई इतनी कहते नरसिंह खड़ा पाटे लाडू उतनी किसने मारी तेरा फूकिया, क्या करेगी गंगा जी, निवली पिया जी उड़े पाप कटे, निवला उड़े कौन सा गंडा सा कट रहा है, क्या तो कटे है पाप, निवली पिया जी सारा मोला नहाण जान लाग रहा तुमने लेकर चाल, जीऊ तो जब जीऊ जब गंगा जी नहावे, मैंने कोई जीवन में इच्छा नहीं करी, मेरी पहली राखरी इच्छा। नरसिंह उठ के चला गया और जोड़ तोड़ लावे के राज हठ बाल हठ और त्रिया हठ, या मानना की नहीं क्योंकि त्रिया हठ और यह नवाक लेनी पड़ेगी, पर बावन बुद्धि बानिया बानिया का छोरा जोड़ तोड़ लावे, इसने गंगा जी नवा लिया और खर्च ना हो ईसा कोई काम हो, और फिर गाने वाला सेठानी नहागी गंगा जी, हाँ निवली पिया जी नहांगी, जीऊ तो जब जीऊ जब गंगा ना, निवला फिर बात सुन दे ये देश ने के बेरा गंगा की ऊपर ना आगर, मैं बताऊं न्यू गंगा जी ना तो ना दूना धर्म हो
हाँ निवली पिया जी क्यों करे निवला देख अड़े तो पैदल जा गंगा जी नहानर नहा के पैदल आव दूना धर्म हो क्यों बनिया छोरा जोड़ तोड़ लाओ गाड़ी घोड़ा में जागा तो भाड़ा लगेगा किराया लगेगा छठानी निवली पिया जी मन मंजूर मैं पैदल चाल पड़ूंगी और सुन ले मैं बाहर का नहीं खांगा बीमार हो जाऊंगा खान पीन का घर तो लेना पड़ेगा। हाँ सेठ जी मन मंजूर है मैं खान पीन का भी घर तो ले चल लूंगा और सुने मैं प्रसाद नहीं लूंगा। हाँ निवली मतलब ये प्रसाद जाहिर हो के मन नवा नवा लिया और भी सुने अग और बता अगोड़ा बामण पाओगे माथे पर चार ब्रेकर बनाए मैं दान नहीं करूंगा। हाँ निवली शेठ जी तू दान भी मत करी चारू शरत मंजूर करा के और नरसी शेठ शेठानी का हाथ पकड़ और जूनागढ़ तार द्वार पड़े साढ़े 300-400 कोस और शेठानी ने दाबे ले जा पैदल पैदल और द्वार ताई सिपाही के सी पिंडी कर दी और निवला ले शेठानी बनाएंगे और बताते हैं शेठानी तो लत्या की रुखाड़ी बैठा दिया डाड़े बैठ कदे को लत्या उठा ले जर मैं नांगा और नरसी गंगा में बढ़िया और गोता मारने तैयार होया। कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में प्रकट होते हैं ऐ नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले तू दान करे के तो गोता मारे था के उल्टा निवला राम की सुता था मगे नाऊ था मैं तो बढ़ रहा था निवला बारो फिर सेठानी ने पकड़ के और आगे दाब ले गया उड़ा जाकर फिर भी तेरे बड़ा गोता मारने तैयार होया। फिर कृष्ण भगवान आते हैं नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले दान कर। हाँ दादा नहाऊ ना धान्यू देखूं ताता है शीला हड़े के निवला बारो फिर काट दिया सारी दुनिया घाटा पर नहा और नरसी शेठ सेठानी का हाथ पकड़ कर दाब ले गया और दूर उड़ा झुंड बोझड़े खड़े रेत उड़े और निवला सेठानी वहां मनगा गैल तो नहीं से और सेठानी लखाई निवली पिया जी मैर तू और कोई भी ना निवला ई बनागा। फिर नहाण ना गंगा में पड़ गया गोता मारन तैयार होया कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण के वेश में आते हैं ऐ नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले दान करे। हाँ निवला दादा नहाण मैं आ रहा और भी को आ रहा है मेरा गैल किसा लग गया तू निवला फूक दे सारी बातों को आ रहा उस ना तू अपनी बात कर अरे शर्म कर गंगा का वसूल है नहाने से पहले दान करना चाहिए तू दान कर। हाँ निवला दादा दान तो करना चाहिए पर दान तो वो करा जिसका दोरा क्या मैं हो मेरा दोरा क्या मैं सह नहीं मैं क्या का दान करूं। कृष्ण भगवान हंसने लग जाते हैं निवला रे तेरा हिंदू धर्म तू गंगा के बीच में खड़ा 11 करोड़ माया का मालिक और के का मेरे दोरा कुछ भी नहीं। नरसी सोच ब्राह्मण देखो घर ताई घर तेजूरी ताई का जानकार है इन्हों को रहा तो री माया का भी बेरा। हाँ दादा 6-11 करोड़ की माया फिर मैं के गैल ले रहा हूं घर धरी है। कृष्ण भगवान ने बोले फिर उधार कर ले निवला दान की निवला मैं कर लिया करूं। फिर निवला पंडित जी दान सरदा समान मेरा जी करेगा उतना दान करूंगा निवला जी करे उतना निवला 1 पाई दान करूंगा। कृष्ण भगवान ने बही में लिख लिया जूनागढ़ गुजरात का नरसी शेठ गंगा के घाट पे और दान की 1 पाई और निवला लाला जी खूब ना ले खूब गोते मार मार नरसी नहाया और नागबार लगड़ा सेठानी निवली पिया जी न्यू का धार दान ना करू निवला कड़ा करया निवली पंडित जी की ओटली 1 पाई तने निवला पागल की बच्ची मरेगा बा मनगा 1 पाई खातिर 400 कोस कौन आओगा लेने और नहा धो के सेठ सेठानी वापिस आ जाते हैं। 1 हफ्ता गुजर गया एक रोज नरसी उस बनिया वाली कुर्सी पर लौट रहा और नरसी का मुनि बाहर लगड़ा कृष्ण भगवान ब्राह्मण वेश में बाहर खड़ा निवला कौन निवला महाराज मैं तो नरसी सेठ का मुनीम निवला तेरे सेठ ने कह दे के ब्राह्मण गंगा जी आला कह दे फेटना रहा है और मुनीम भीतर गा निवला लाला जी एक पंडित जी तेरे तो मिलना आ रहा है
पड़ाई पड़ानियों का मेरे तो मैं ब्राह्मणा ने देख गए राजी नहीं बोले फेटन का मेरा के काम निवला जी वो आपका जानकार है निवला मैं किसी ब्राह्मण ने जानता ही नहीं निवला लाला जी वो अपना गंगा जी पर मैं लिया होगा न्यू कहते कुर्सी तड़े निवला आलिया वो आलिया नहीं निवला बाहर खड़िया है निवला जाकर न्यू का जय सेठ बीमार से और मुनीम तो गया निवला पंडित जी मारा लाला जी तो बीमार है निवला ओए होए बीमार है तो मैं झाड़ा ला दूंगा उसका आराम हो जाएगा और न्यून तो सेठानी ना आन दे निवली सेठ जी तड़े पड़िया निवला घनी मत बोले तन्ने तो नाश कराया तन्ने तो नुकसान करा दिया ये करा दिया मलंग बार खड़िया और जा बमना के जाके चूड़ी फोड़ दे न्यू कदे सेठ जी मर गया सेठानी लखाओ पिया जी एक पाई खातिर निवला घनी ना बोला जीभ काट दूंगा और जा चली जा दमका दी और रोती पीटती सेठानी गई अन्य होली पंडित जी रोआ पीटी कर रही महाराज सेठ जी तो मर गया कृष्ण भगवान ने बोला ईब तो मुनि मुनि को था बीमार हो गया निवली बीमार था जब तो मर गया जिस दिन तक गंगा जी ना आकाए उस दिन का बीमार था सेठ तो मर गया कृष्ण भगवान अफसोस करते रहे फिर बोले रहे देखिए आना जाना तो दुनिया का नियम है जो आया है उसको जाना पर भाई मेरा बड़ा प्यारा जजमान था मैं उसकी लाकड़ी दवा के जाऊंगा इतने कहते हैं सेठानी का भी पसीना आया आगे चूड़िया ने बामन फड़वा होगा तो बच जाए अरुड़ा जागा कान में निवली सेठ जी कित के स्वर्ग लोक देखेगा बामन अड़िया खड़िया है न्यू कह लाकड़ी दवा के जाऊंगा निवला सेठानी बात सुन दे अरे असली बनिया का छोरा हूं मैं नकली सांस घोट लूंगा पर मैं एक पाई दूंगा नहीं मैं नकली मर भी जानो हूं पर पाई नहीं दूंगा अर्थी त्यार राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कृष्ण भगवान सबसे पीछे चलते रहे चिता बना दी और नरसिंह का शरीर पार्थिव शरीर बनाकर उस पर रखा कृष्ण भगवान एक बेड़े की ओट में बैठे रहे अग्नि देके सारा शहर वापिस मुड़के आ गया और जब सब चले गए वो आग बढ़े कृष्ण भगवान ने अपनी माया से नरसी तक आग नहीं जान दी और उड़े जाके निवला ए नरसी चता की जड़ में जड़ती चता की जड़ में कृष्ण भगवान खड़े और रुका मारा ए नरसी तू किसके लिए मरता चता में पड़ा पड़ा नहीं होगा दादा क्यों कर लिया मैं दू को निवला रे किसके लिए मरता है माया के लिए निवला हां नरसी माया के लिए मरता है निवला हां मैं तेरे को माया के दर्शन कराता हूं उच्चता तो बाहर काट गए कृष्ण भगवान ने माया के दर्शन करा दिए अपना चतुर्भुजी रूप दिखा दिया और नरसी पाया कर लपट गया ज्ञान हो गया उड़े तो उल्टा भाजा और जो दाग देख आए थे वे भी तंग लाग जजा मुर्दे उठाए सब कम न्यून न्यून भाजे एक पाई के लिए मरने वाला नरसी और जिस दिन ज्ञान होया उस दिन तक के करने लग गया क्या कहा लग्या सेठ लुटा
दुनिया में रुका पड़ गया। देखे दान करने की जगह कड़े कड़े करना चाहिए। नरसिंह ने कड़े कड़े करया जा। दरवाजे पे पत्था दिए पहरेदार साधु संत छत्तीस हजार दम जो प्रतिरथ चलना चाहे दोनों तरफ का भाड़ा खर्चा नरसी से अकेला ठावे पर मुट्ठी बांटन लाया सो को दर पे मांगन लाया सुबह धरवा दे सावल ईसा से थी धर्म पे अड़क्या करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। चारों तरफ आग की तरह खबर फैल जाती कि भाई एक बाणिया का छोरा पागल हो गए अर्धन माया लुटान लाग रहा है नए नए मानस जा। अरे नरसी तन मैं पहचाना नरसी देखो भाई कौन हर मतरी मौसी का छोरा मतरी बुआ का छोरा नई नई रिश्तेदारी लगन मारे थारे कैसे जा ब नरसी ब घर बनाओ हमने कड़िया की जरूरत है निवला बा पाड़ ले जाओ अरे मन चौखट जंगले चाहिए निवला पाड़ ले जाओ सब कुछ दान करता चला गया। ये खबर सरसेगढ़ तक भी पहुंची और नंदी जो नरसी की बेटी थी मनसा सेठ को लेकर आई और आकर कहने पिताजी अरे तेरे किस्मत में पुत्र नहीं था मेरे कर्म में भाई नहीं था पर पिताजी दुनिया में इस दौलत का बड़ा सहारा होता है तू इस दौलत न लुटाओ मत इन्हें राख ले कदे न कदे मेरा काम आ जाएगी सुने सबकी करे मन की वह बनिया का जो मोला धावा गाल फटिए पर हीरा मानसा द मांगनिया तैयार खड़े रहे और सत्य घर क्या जुलम हो गया। अरे हापुड़े बंबई और कलकत्ता पश्चिम रुका पड़ा बाजार के वहां चारों कूठम नाम गूंज जा खबर छपी इस तार के वहां चारों कूठम नाम गूंज जा खबर छपी इस तार के वहां ओए मित्र प्यारे रिश्तेदार सुन सुन लोग आवण लगे नई नई कथे रिश्तेदारी ज्ञान दूसरा लावण लागे मनसा सेठ हर
नंदी आके नरसी ने समझावन लागे देखें सेठा की कार में रयो पुरसा रासा तरफ चनाए मंदिर जिनमें घंटिया की घन घोर झरना पानी भरन लाग रहा पीवे नहावे डांगर ढोर पशु पखेरु आनंद भोगे पक्षी गावे संग नाचे मोर सदा व्रत पैसे से ला दिया भोग रहे हजारों भोग वैद डॉक्टर मुफत ला दिए ना जूनागढ़ में छोड़ा रोग भगमा बाणा तन पधारा फिर नरसी ने ले लिया जोग गया तोड़ मोह के जाल में घर न छोड़ लकड़िया सब कुछ दान करके बाबा का भेस करके और नरसी जब घर से लकड़िया सारा सेठा का मोहल्ला न्यू लगा उनका देखो रे पागल का बच्चा अरे कभी सेठों में नाम हुआ करता था 11 करोड़ माँ का मालिक और आज सब कम छोड़ के चाल पड़िया अरे इसका तो इतनी जगह भी घर की ना रही कि तो पीटा गाल के बैठ गया कड़े रह गायो कड़े गया कड़े रहा और चुप रहा जोड़े
ईश्वर का पसंद करण ले एकला दी तुम जाकी बेले नरसी का यक्कर धारा बाचे संता गले ओ जने इस दुनिया में भक्ति करनी लोगो को न्या हंसी के ले इस दुनिया भक्ति करनी लोगो को न्या हंसी के रे जब ज्ञान हुआ नंदलाल ने दुनिया ते अलग जचर गया कदे कदे तो मौज करें थे थी नगरी में साहूकारी धनमाया सब लुटा दिए मेरा बाबुल बनया भिखारी मैं जो नागड़ में पैर धरूना आगे मर्जी थारी मने बाप समझ लिया मरे बराबर कृष्ण चंद प्रचारी घर घाट नहीं रंग ठाठ नहीं न्यू बहस नयंत नीर रहना जूनागढ़ में शीर हे माँ आनंदी मर जागी पर जागी नहीं शेठानी ने कहा सेठ जी बहुत हम मर जाएंगी पर मत जांगी नहीं बात की बेली ले गए निवला रहे मनसा ने एक एक दिन अंगलियां गिन गिन के काटा आज मेरा नंबर आया तो या नाटकी इसके नाट्य के काम चल रहे बेरा तो करूंगा क्यों कर करेगा एक ब्राह्मण को बुलाया और बात की चिट्ठी लिखवा दी लाखों करोड़ों का सामान लिखवा दिया क्यों मनसा जाने था कि नरसी नंगड़ हो रहा है इब तरह का बुम बात आओगी लाखों करोड़ों का सामान लिखवा कर एक नाई का बुलाया निवला बन नाई के तने जूनागढ़ जाना है ये महाराज के करूं वह मेरा समधी है नरसी सेठ और उसका बात की चिट्ठी दी है ये इब नाई के ने न्यू सुन रखा कदे बरात गई जब 12 करोड़ माया खर्ची गई थी शादी में सारी बरात ने बड़ा दान मान मिला था और नायिका ने सोचा इब का एक लाए जागा जोड़ा भर के ले आइए हाँ निवला शेठ जी मैं चले जाऊंगा चिट्ठी ले गए या को नाई फायदा होगा उड़पा टेका का ना टेका कौन है या पक्की बात लिख लिए बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे और दुकान आ गए तड़कें एक मानस मर गया तड़के पुलिस आई एक नाई का खोखा था नहीं बोला रहा जुलम कर रहा तने तेरा बार मानस मर गया अरे तू कोई तो खबर कर रहे कि निवला कड़ा मर गया मानस निवला काल मरिया था अरे निवला तो सरदार मर्यादा पुलिस वाले ने बोला फिर सरदार ने मानस है नहीं मान लिया आ निवला ऐसे तो सब मेरी खातिर तो होंदे मर गया था डाडी मनवानी ने बाल कटवाने मेरा काम भी किए था वो हाँ निवला लाला जी मैं ले जाऊंगा चिट्ठी और ले कर चिट्ठी दे डाक और जाके जो नगढ़ में जो मिला उस पर चिट्ठी देखा भाई मैं नरसी सेठ के जाना जो सुने नरसी सेठ ने बोला यार नरसी नाम का तो कोई भी सेठ नहीं है चिट्ठी ने उल्टी है खोज जाने बावला तने बेरा एक होने हम मारे सेठ का छोरा बेरा ख्याड़े फिर किशोर ने देखा भाई नरसी सेठ के जाना कहते यार नरसी नाम का तो कोई भी सेठ ना निवला पागल तो नहीं जो तुम छठा मोला बताओ पड़े से बोले हो रहा उड़े पहुंचा एक बुजुर्ग बैठा था वो निवला परदेशी लगते हो निवला जी मैं शेरशेगढ़ से आया और मैंने नरसी सेठ का जाना है और जिस तरह चिट्ठी देखाऊं सो वो ही न्यू कह दे नरसी नामा कोई सेठ ना और उसकी छोरी व्या राखी शेरशेगढ़ बुजुर्ग ने माथे में हाथ मारा नहीं बोला उस नरसी ने पूछ जाए तू अरे शेठा के मोल हम के कर है और उड़ा मंदिर बजा उड़ा पाओगा ओ नहीं सोचा यार शेठ जी न्यू कथा मैंने शेठा में छोरा बे रखा शेठा में नरसी सह नहीं
निवला मंदिर पर क्यों पाओगा, निवला दिमाग मत खा, नरसी ढूंढना है तो उड़े ढूंढ। अरे ले के चिट्ठी टूटे को डेउड़ पहुंचा बाबे बैठे लाइन में, हाँ निवला बाबे आदेश, सारे पाटे खड़े आदेश को लोटिया लोटिया ले को आटा लोट रहा को सूदा लोट रहा पड़े पड़े आदेश ने उसकी कौन। निवला जी मैं सिरसागढ़ से आया और मन नरसी दे मिलना है, हाँ निवला पाछा चला जा उड़ा लंगोटी दौड़ लग रहा सारे आगे उड़े गया उड़े जागे। निवला बाबा आदेश, निवला आदेश आप हो नरसी, निवला मैं, निवला जी वा छोरी ब्याह रखी शरसेगढ़, निवला मेरी ब्याह रखी है। ओ नहीं सोचे यार सेठ जी ने कहा सेठा में रिश्ता जाड़ बाबिया की छोरी ब्याह रखी है। निवला जी मैं तो या शरसेगढ़ से आया हूं, बाज का कोली बुरी आई है रे, अरे कुणबा ठीक से छोरी ठीक से नाई के गोटे टूट रहे। ओ नहीं सोचता दान मान में लगा नरसिंह देखते हूँ जी लिकड़ गया उसका। आ निवला ठीक से सारे या चिट्ठी दी है चिट्ठी जोड़े मैं धरके, निवला रे पहले कुणबे की सुना और घर बार की सुना, छोरी ठीक से ठीक सकना नहीं सुना, अरे तन के मैं खाया पिया सकना पैदल के चलने थे। निवला कौन परामठे दे था बावड़ा, मतलब गांव में मुश्किल पड़न दिया हूं तू तो बहुत बाहर रह जाए। निवला रे तू आड़े बैठ, पहले मैं तेरे भोजन की व्यवस्था करूंगा फिर बतलाऊंगे बात। वह चिट्ठी भी झोले में गेर दी अंदर सी बाजा खेता में हंड पथुए डाकड़ हरिया साग तोड़दा और नाई का मर करड़ करड़ भूखा उठर देख लेर फेर पड़े उठर देख लेर फेर लुट जा। कृष्ण भगवान 36 प्रकार का भोजन, सोने का थाल तन चांदी की कटोरी ढक के लाया, शर्क गमछा बांध रहा एक बनियान अरे पीली ही धोती और ढके लिया वो भोजन आके। निवला रे नाई के अरे रोटी खा गा के नाई का पड़िया पड़िया निवला खवाओ सो खसाओ सो। निवला के बात, निवला तेरे के साथ लाल धोती वाला एक और गया था घंटा डेढ़ हो गया ओ तो आया है नहीं। निवला उसने छोड़ दिया बना बना त्यार ले 36 प्रकार का भोजन धरिया और नाई के कहता चलिया गंडा सा 15 मिनट में सब क्यों साफ और मुंह पूछ कर निवला भाई छोरे तू बढ़िया और तू बात में जरूर आइए। हाँ निवला भाई जरूर आऊंगा नाई के घबरा क्या थे। हाँ निवला जिसी मेरे तो बात सगी भाई ईसा तो मारा बनता नहीं, जिसा मारा बनेगा मैं भीतरी सेवा करूंगा। खा पी कर वे कासन सरका दिए, निवला भाई ले जाते कासन। निवला रे नाई के ये बर्तन साधारण नहीं, ये थाल सोने का ये कटोरी चांदी की अर्जा ये तेरे रहे। नाई का एक बल्ला खाओ एक बुक पर ने मेरे रहे, क्यों तो दक्षिणा की आस लेकर आ रहा था वो दक्षिणा पूरी करनी थी कितने की तक। हाँ निवला तेरे रहे। ओ नहीं सोचा कि साथ दान नहीं आओ था कि तो बाबा में चलम मार गया दिख रहे और बाबा ए पहले आने दे लकड़ लिया नहीं काठना ना बाबा खोसेगा काख में थाल रांट में बेल वाला अगर नाई का वो जार होता सारे कासन ठाक सारे कासन और नाई का बाजार पर नरसी आया डक्कल बथुआ हरिया साग वा गठड़ी गेरी पसीना पूछा परेन लखा मदान साफ। निबला रो नाई का थाड़ है पंचर बाबा थे निबला था पर धूल ठाए ज्यादा भाई करड़ा भाज रहा था। फिर बैठ गया रे जाके न्यू का तेरे बाबू धोर गया ना कोई नाश्ता पानी ना भोजन पानी ना कोई व्यवस्था नहीं हुई। थोड़ी देर तो अफसोस करया फिर सोचा चिट्ठी देख ले छोरी ने चिट्ठी भेजी है क्या की है और खोलते एकदम पसीना आ गया लाखों करोड़ों का सामान लिख रखा अगर ईब कित की करूं। तीनों भाइया दौर गया जुन से दौर जा वो छाती गला आइये नरसी कई दिन में आया आइये नरसी कई दिन में आया सुना क्यों कराया और वह चिट्ठी खोल दे छोरी के तो बात की चिट्ठी आ रही जिसी कोली भर शायद बारो बाबू ने बराबर की 11 करोड़ माया दी थी सारी लुटा दी जब भाई याद ना आए खर्च के टाइम पे भाई याद आए सारे भाइया ने धका दिया। एक उसके बचपन का मित्र था राम सिंह और राम सिंह दोर पहुंचा इतने टोटे में नरसी छड़े था इतने टोटे में राम सिंह था उन्हें भी भाज के कोली भरी ये नरसी क्यों कराया। निवला भाई छोरी के तो बात की चिट्ठी आ रही है। हाँ निवला भाई चिट्ठी तारी है नरसी फिर मेरे तो क्या सम थान पढ़ा दूंगा। निवला भाई थान पढ़ाने की जरूरत कौन है और बतरे गाडीर बड़ दे दे मेरे तो साधन हो जाएगा मैं बैठा चलिया जाऊंगा। निवला बात सुन दे
खान के दाने ते कुण बेके नहीं समय किसी चाट के रूं था बूढ़े तो बैल और गाड़ी साल भर जोड़े गाड़ी ने हो लिया भाई टूटी फूटी जी चीज है तेरी खातिर ना नहीं है। टाटा सफारी बलेरो इंडिका डस्टर फस्टर अल्टो पल्टो वैगनार सबका सपेर पार्ट नौजवान पीढ़ी आंगलियां पर रंग गए पिस्टन गए फिल्टर बदल गए सब क्या आंगलियां पे याद है। एक हमारे बुजुर्ग सारे बैठे हैं इन न जो गाड़ी बाई है जो देसी गाड़ी अपनी ओरिजिनल पुरानी बामण ने उस देसी गाड़ी का सफेर पार्ट गणवा रखे अंदर से किसी गाड़ी जोड़ी का चालिया कैसे बाबा राम के नाम ले सक मन ने गाड़ दे है क्यों करे आई भी सही हो गया फिर सही हो गया इतना ही मन रहा था क्या मन ये किसी गाड़ी जोड़ जोड़ के नरसी चलिया क्या कहा सबसे नाता तोड़ चलिया बात बन की तैयारी करके फिर नरसी गाड़ा जोड़ चलिया क्यों कर चलिया बात भरण का बात भरण का बात भरण का चक्कर चलिया जब बात भरण का चक्कर चलिया जब भाइया गल्या होगी राड़ दूसरे की गाड़ी मांगी दूरे की तो होरी फाड़ संजन कटरिया आमने ढीली पैया चाल ली खपाड़ बना शलम का बाका जुआ वे ढीले हो रे सारे नाड़ बाका जुआ सारे दाड़ लोटे सोटे और लमटे तरका कुतड़ सोर चले भाई बहन परिवार फट सबसे नाता तोड़ चले ए बात मरने की तारीख का नरसी गाटा तोड़ चले भाई बंदे परिवार रूस गया सबसे नाता तोड़ चले Thank you.
चक्कानी के साल भरे चक्कानी के साल भरे सुआ और सकेल नहीं दोनों खुटे डगडग हले सारे खुटे डगडग हले किसे चीज का मेल नहीं दोनों लोधर आदि रकटरी उंगण खातर तेल नहीं इसे बखत पे बात भरना यो लोगो हंसी खेल नहीं इसे बखत बात भरना लोगो हंसी खेल नहीं ओए राम संग के भाई बंदे परिवार रूस गया सबसे नाता तोड़ चल हम दोनों हैं मान सम्मान सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद बताते हैं बूटे बैल और टूटी गाड़ी और नरसी पंजारे और गाड़ी लेके चल रहा और गांव तो बार लकड़िया और मंदिर धोरे को लकड़िया एक बाबा ने पाल पर तो देखा और देख कर खड़ी है सीटी मारी सारे बाबा तो बैठे रहो वाड़े और नरसी का गाड़ी जोड़े सारे खखाट पाटिया आगा घेर लिया शटाप का शटाप आग रहे डॉक्टर का डॉक्टर मास्टर का मास्टर थानेदार का थानेदार सिपाही का सिपाही नरसी का भी शटाप खड़िया दस पंद्रह बाबा त्यार खड़े आगे खड़े जागा निबड़ा छोरी गए बात की चिट्ठी आ रही उड़े जागा हाँ निबड़ा उड़े जागा हम गए बात सारे बाबा निबड़े गए चल लेंगे ओ निबला रम मान जाओ क्यों बेइज्जती कराओ हो निबला वाह मारे जान मतरी बेचती बैल टूटी गाड़ी एक नरसी पंद्रह बाबा और बैठ लिए दो चार किले दवा गाड़ी चाली फिर बूढ़े बैल थे मड़ा हाथ ला दिया उसे पंजारा दूसरा बैठा उसने और बूढ़े बैल थे पंद्रह बाबे खड़े खड़ताल बाजो एक तारे बाजो और बूढ़े बैल थे उनके गोटे लागे और वह गाड़ी पलट की वो बाबा उसको ऊपर गए वो बाबा उसको ऊपर गए ओ बाबा उसको ऊपर गए किसी का माथे में तारा लग गया किसी का धरती में गोड्डे लग गए किसी का धरती में गुद्दी लगी किसी का गोड्डा फूट रहा किसी की कोणी फूट रही किसी का आंख पर दल लहू जरे सारे आडे आडे उठे नरसिंह ने बोला रमन नाटू था कराओगे माटी पटवाओगे एक काम कर लो पांच चार जने बैठो गाड़ी में हाँ बोले और पांच चार आगो हो लो पांच चार पाछा भजन कीर्तन करते चल लेंगे जुनसा चालता चालता हर जाओ तबादला कर लियो ऊपर लेने एक न तड़े तार दियो एक ऊपर चलिया जाइए अदला बदली करते कोस दो कोस चाले को लंगड़ामता चाल रहा खुआड़े तो क्यों किसी का घुम चोट लाग रही फूट टूट हो रही ना सारी पार्टी में और आगे कृष्ण भगवान भी बदले आवे शर कबो गम छा लपेटे और वे सारे आडे आडे चाल फिर उनका आगा घेर लिया निबला बाबे आदेश तंग पाए रहे थे निबला छोरे राम आगा जाओ ही तेरी आदेश हो निबला बाबे इसे छो में क्यों कराए आदेश तो लो निबला डिग जा दिख ना खड़े जाओगे निबला ठेका से तने हाँ निबला ठेका से बता दो जो खड़े जाओगे एक निबला रे शरशे गढ़ जाएंगे बोल के करेगा निबला वो चाड़ा पाट गया मन्ना भी शरशेगढ़ जाना पर मन्ना भी बैठा होगा टीम हाँ निबला हम तो बैठे लारी में तेरी कसर और रह रही है तू हो राजा आगे तो हटा दिया फिर आगे घेरा हुए फिर धक्का दें
फिर नहीं बोला बाबियो एक बात सुन लो मेरी, हाँ नहीं बोला बोल बत्तम ने एक बाबा बच रहा था जिसका चोट नहीं लग रही थी, वो पंजारा बैठा रखा था बड़दा नाक का था, नहीं बोला पंजारा मन ने बैठा दो इसकी जगह, तुमने सारे ने पैदल जाने की जरूरत नहीं, मैं गाड़ी में बैठा ले चलूंगा। तंग पाए रे देख बाबा जाकर उसकी पिंडिया लटक गया, बोले आजा तोड़ नया ड्राइवर आ गया थर्ड, दोनों गोटे उसके फोड़ दिए। कृष्ण भगवान पंजारे बैठा सजनों, सारे बाबा गाड़ी में बैठाए, जिस चीज पर था हाथ फेरा हुआ है चीज नहीं, गाड़ी पर था हाथ फेरा गाड़ी नहीं, बड़दा पर था हाथ फेरा हुआ है जवानी फेर, कृष्ण भगवान पंजारे और गाड़ी जा बर्र 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 धूल खाती और बाबा जाड़ बेचरी मारे गा रहे क्यों कर चाली गाड़ी निकड़े पहुंची। राश गळमी नाथ जेवडा, राश गळमी नाथ जेवडा, भूखे हो रे दोनों बैल बस बारा, वे बाबा आगे कहा हम भी चला तेरी गैल, आगे पछर हो लो सारे करते फिरते चालो सैल, थोड़ी देर में आ पहुंचा खुद सावड़ सा कडवाड़ा छेल, थोड़ी देर पहुंचा सावड़ सा कडवाड़ा छेल, जिन हाथ फेर के हाथ फेर के ला पुचकारी ले गाड़ी ने तोड़ चला, आई बंद परिवार रूस गया सबसे दाता तोड़ चले, बात मरण की हारी करके दर्शी राजा, ओ भाई बंद परिवार रूस गया सबसे दाता तोड़ चले, अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, सच बोले तो मिटेंगे सारे गम, बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 बम। उकला माशे जी साथी कलाकार हैं, 100 रुपए और देते हैं, बार बार धन्यवाद है, 100 रुपए भाई दे गया उसने, तुम सब जानते होगे, नाम तो बताता है कौन है, वो तो दूर से आओ से जितनी बार और डाल, 100 रुपए भाई ने और दिए, बार बार धन्यवाद के बताते। गाड़ी बड़ी शरशेगढ़ की सीम में, सारा शरशेगढ़ बाट देखा था, ओए मंगूमल सेठ का छोरा भातिया होगा जिसने 12 करोड़ माल लाई थी, सब कम सारा नगर नी बाट में था, दान मान में लगा सारी नगरी ने, और गाड़ी बड़ी रुका पड़ गया, बाती आगे जो जिस काम लाग रहा था छोड़ छोड़ देखने जा, देखियो कई गाड़िया में तो सामान पाओगा, और पणी हारी बीरबानी पानी लेने जा, छोड़ छोड़ अपने बंटा टोकनी सीधी बाजी जा, और जाके चुन सी देख ले उषा गोड्या ताई गाजी जाए, न्यू को धान मान में लगा, ये तो नगरी ने ले दे के डगाने पड़ेंगे, ये किसने के देंगे, सारे नगर से आदमी आए और लोग न्यू करे, अरे जो जानकार था उन्हें कहा नरसी तेरे तो रखे मन ना हिरे रहा था के गडना हो था क्यों आओ था, और कौन यू करे बात सुनो रे मंगू मल का छोरा से इसके हाथ देखियो लत्ते लत्ते बदल रहा है, अरे ना वाह की वाह बात से को क्यों मा के कोई घड़ी के अरसे में, एक कोई घड़ी के अरसे में पहुंच गए शर से के गोरे पट्टे शानी आन लागे बात करन नरसी के दोरे, आसी थल्लार कर मसकरी क्यों आ बैठा कलर कोरे को बोली मारे, यो बात भरेगा या सारी दुनिया धन बटोरे, बोली मार बात भरेगा सारी दुनिया धन धन बटोरे, श्री कृष्ण चंद्र
Press the bell icon on the YouTube app and never miss. ये देख कमनसा सेठ डरियाजे ना जगदीश कसूर मिराजे उड़ कमरे में इंतजाम करया सो नरसी ने बुलाउन लागे नगरी के अंदर नार स्वयं के बच्चारों तरफ लखाउन लागे। एक कमरे में कृष्ण भगवान बैठे और पाया का लिपट गया। बताते हैं आंसुआ दप्पा धूगे न्यू टपकन लागे निवला रहे नरसी। अरे रोया क्यों निवला रहे, मैं रोया क्यों? आप तो अब आए तने बेरा को ना मेरी गल के करी हिन्न। निवला मुन सारा बेरा क्या टट्टू का बेरा है, तू खाली आ गया रथन लेके सामान इतना लिख रहा क्या कून भरेगा उसने? निवला रे डरे मत, मैं आ गया सारे काम होंगे। काम ना हो तने बेरा तो कोन्या क्या कहना बेरा? तने बेरा कै करोड़ का सामान लिख रहा क्या? बोला कै करोड़ का लिख रहा क्या? तू घबरा मत, रो रो के भर दिया सारा भर सारा कमरा के महाराज मेरी माटी पीटी है, मेरी बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ी। निवला तेरी बेइज्जती हुई? निवला मना हाथ भी जोड़ लिए और छोरी नहीं कह दी सब डाल आत्मा पकड़ लिया। मेरी मान्य नहीं, दोनों माँ की दोनों बेटी की बाबू की दोनों की माटी पीटी। निवला रे तुम बतेरा झुक लिया, बतेरा तने वाह कर ली, तेरी आँखें गए जब मन सर सारा कुणबा इसका नहीं झुका दिया तो मेरा नाम का नहीं, नहीं। तू घबराओ मत, सारे न कोडे कोडे चलाऊं तेरे आगे। ये बताते हैं बात का समय आ जाता है, कृष्ण भगवान पाटड़े पर खड़े होते हैं और नरसी कूदे कूदे हन बंदर की डाल कदे न्यू न जा, कदे न्यू न जा। और मनसा बोले अरे रिश्तेदारी से नरसी सुनते ले बोले नहीं, मनसा की बात सुनी नहीं। कृष्ण भगवान भात भरते, कैसे भात भरया क्या दर्शा है? ए जी बात का नरसी कर्षन आगे जकर करण लाग्या भात का नरसी कर्षन आगे करण लाग्या बात का नरसी कृष्ण आगे जकर करण लाग्या। और खड़ी चुगर दे जनता कृष्ण बात भरण लाग्या। और खड़ी चुगर नरसी जबान से काट के था लिस्ट में। और मनसा ने कहा ना भाई दहेज लेना तो पाप है ना, अच्छा बता के था? न्यून तो नरसी बोले और सवाया माल पड़े के पड़िया गोले 25 मण दाख छुआरे सच्चे चीर जरी के वो गणवारिया न्यारे न्यारे गहंगे सच्चे लहंगे कई किस्म के गड गुजराती सारे गई उढ़ा चूंदड़ी बेबेत ननती पे नंद के दुलारे गई उढ़ा चूंदड़ी बेबेत हर बाण रे भाई नल गे रे कारजे बाण रे भाई नल गे
राजा उड़ खड़ी चुगर दे जनता के सनवात भरण लाजा आगे पूरे कर दिए जो बादाम गोले किशमिश मेहंदी काजू जो किम था सब पूरे कर दिए। अब अगली बरसात शुरू होती के बरसात चवन्नी अठन्नी और रुपया बरसन लागे भाई गरीब और गुरगे चुगन लागे बालक और लुगाई फिर मनसा सेठ न्यू कहे बात मेरी सुनियो एक सच्चाई कोई सेठ आदमी कोडा हो मत खाइयो पैसा पाई कोई सेठ आदमी कोडा हो मत खाइयो पैसा पाई। वो नरसी है उड़े भी माटी पेटी थी आज जब मेरे खानदान पे जब बनिया का बीज हो ना नरसी की बरसात में तो रुपया नहीं ढाओगा सारे बनिया नरसी के झंडे तले खड़े हम तो सेठांगे बालक सांबा रुपया चुकांगे। नरसी भरा उमंग में भगत के नरसी भरा उमंग में भगत के कष्ट हरण लागा उड़ खड़ी रे चुगर दर जनता कर सनवात भरण लागा सवन्नी अठन्नी और रुपया बरसन लागे भाई गरीब और गुर्गे चुगन लागे बालक और लुगाई मनसा सेठ न्यू कहे बात मेरी सुनियो एक सचाई को सेठ आदमी को डाहो मठाइयो पैसा पाई। और नरसी नरसी फूल का खुपा अगले ही बनेगी बात ठीक का था नरसी भरिया उमंग में भगत के कष्ट हण लाग्या खड़ी चुगर दे जनता के संवाद बन सारे झंडे तले खड़े ना भाई असली सेठ के बीज हाँ चाहियो क्यों मैं बरसाएं चाहियो ऊनी के शक्या मरे था चमन्नी अठन्नी रुपया ठाले की दुनिया हम दौड़ना हाँ दूरे कोड न टोल बनाए सारे बनिए बतलाओ अर कृष्ण भगवान खड़िया खड़िया से हरि बिलास नरसी तू डरे मत ये कहने का था बाबू भी कोडा हो बरसात बदल गई थोड़ी वार में और चम बरसन ला गया और पुखराज लसनिए बरसन लागी सच्ची मोर हीरे मोती पन्ने बरसे असरफिया पे हो राजो बड़े बड़े सेठ भी चुगन लाग गे मारे थे आपस में बोर दो सोने चांदी के पत्थर सबसे ठेका पाटिया चोर देख का सारा हाल वो मनसा देख का सारा हाल वो मनसा शे डरन लाग गया उड़ा खड़ी रे चुगर दर जनता के सनवात भरण लाग गया
एक कहावत प्रचलित, धोबी का कुत्ता घर काना का अटका। या इस दिन तो चाली थी जिस दिन कृष्ण भगवान पाटड़े पखड़िया बात भर धोबी धोबण थे और हीरे मोती पुन्ने बरसे, नीलम पुखराज लसनिए बरसे, रपिए शक्के बरसे। धोबी धोबण का लोभ आ गया, अपने साकल मार धन्य बोली सुन ले बाहर हो गए, बगड़ा में जो बरसे ही ना कभी ठा लेंगे, घाट पर चलना ने घाट कहने बाज लिए दोनों। ये बताते हैं ऐसी माया थी, ऐसी लीला थी उस कृष्ण भगवान की, जो शेरशेगढ़ का जो लाल डोरा था उस लाल डोरे का भीतर भीतर बरसे थी, बाहर तो धूल उड़े थी कुछ नहीं। और धोबी धोबण गए घाट पे, जाते आखा में रेत बड़ोर के था कुछ नहीं, उड़े तो सुसाटा पाड़ते उल्टे गाम आए, इतना गाम वाली गाम वाले चुगली कुछ नहीं। धोबण गई कृष्ण भगवान का हाथ जोड़े खड़ी, रे भाई होगा तू सेठ, होगा दुनिया में नामी, मारे खातिर तो तू कुछ भी ना। खेरी के बाद सारा गांव ले गया, हमने के मिला, मारी खातिर तो नरसी वो एक कंगला है, ऐसा है तो मारी पूर्ति करी। नुखण लगे अरे क्या न खाई, फिर ले तड़का, फिर उठा तड़का, चुकर उठा कुछ थाया कोन्या, चुग चुग ले गे लोग तमाम, सवा पहर तक फिर बरसा दी, खुश हो दे गुरु चंदगी राम, बस मेरे बेटा ई बथाम दे। धोबण बोली थी सरनाम, हर धर्म वीर भी गुरु की दया ते, खड़ी रचुगर ते जनता कर सन वात भरण लाग्या।